वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह का बज रहा है 9 और मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मैं जा रही हूँ मंदिर। तो आज है सावन का दूसरा सोमवार और कल हम लोग गए थे महादेवा, वहाँ का वीडियो मेरा सुबह पब्लिश हो चुका है 7 बजे, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा उसको, बहुत ही अच्छी जगह है वो। और आज तो अभी मैं ऐसे घर के पास एक मंदिर है वहाँ पर जा रही हूँ। तो जो पिछले सोमवार को दिखाया था, सोच रही हूँ इस बार दूसरे मंदिर में जाऊँ, तो वो दूसरे पार्क में है। यहाँ पे अधिकतर हर पार्क में एक मंदिर रहता है, तो इस बार मैं सोच रही हूँ कि उस वाले पार्क में जाऊँ। तो अगर लेकिन वहाँ पे भीड़ रहती है थोड़ी ज़्यादा, अगर भीड़ कम हुई तो मैं शूट करने की कोशिश करूँगी, और अगर भीड़ बहुत हुई तो फिर नहीं दिखा पाऊँगी। तो चलिए चलते हैं मंदिर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो ये दूसरे मंदिर हम लोग गए थे वहाँ पे, सच में मैंने बोला था वहाँ भीड़ होती और भीड़ थी, और थोड़ा छोटा मंदिर है तो वहाँ बैठ के पूजा करते नहीं बन रहा था, तो बस मैंने दूर से इस थोड़ा शूट किया। और ये वहाँ पे काफ़ी फ्लावर वगैरह लगे हुए थे क्यारी टाइप की, तो और ये फिर पीछे कई शिवलिंग थी, तो फिर मैंने सोचा कि वहाँ भीड़ में थोड़ी पूजा मतलब सही से नहीं कर पाया, तो फिर यहाँ पर आके पूजा कर दी थी। और मेरी फ्रेंड ने ये शूट किया है थोड़ा सा उसने, क्योंकि उधर ज़्यादा भीड़ थी तो वहाँ नहीं हो पा रहा था। और जो मेरे घर के पास मंदिर है वहाँ पे आराम से बैठ के पूजा करते बनता है, तो वहाँ पे बन जाता है वीडियो, लेकिन यहाँ पे नहीं, तो बस फिर देर भी बहुत हो गई थी, तो फिर बस जल्दी से पूजा करके फिर घर चले गए थे। तो ये पीछे की साइड इस तरीके से बना हुआ है, शिवलिंग रखी हैं 3-4, तो यहाँ पर आराम से सब लोग भी आ रहे थे यहीं पर पूजा करने, क्योंकि मंदिर में ज़्यादा भीड़ हो रखी थी। और ये अलग से बना हुआ है, तो बस यहीं पर मैंने पूजा कर ली। फ्रेंड्स, मैं मंदिर से आ चुकी हूँ और मंदिर में मैंने बहुत थोड़ा सा शूट किया, क्योंकि मैंने बताया था उस मंदिर में भीड़ रहती है, तो सच में उस मंदिर में बहुत भीड़ थी, मतलब बैठ के पूजा भी नहीं करते बन रहा था सही से। मेरे जो घर के पास मंदिर है वहाँ तो थोड़ी कम भीड़ रहती है, तो आराम से पूजा कर लो, लेकिन वहाँ पर नहीं, तो शूट नहीं कर पाई। बस थोड़ा सा पीछे जाके एक जगह पर कई शिवलिंग एक साथ रखे हुए, तो बड़ा अच्छा लग रहा था वहाँ पर। वहाँ थोड़ा सा बस मेरी फ्रेंड मिल गई थी वहाँ पे, तो उसने थोड़ा सा शूट किया, मतलब मेरे साथ मेरा वीडियो मतलब उसने बना दिया था, क्योंकि अपने आप तो बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और फिर पूजा करते रहो तो फिर एक हाथ से पूजा करो या फिर मतलब कैमरे को पकड़ो तो थोड़ा मुश्किल होता है, तो इस वजह से फिर वहाँ से आके मैंने ब्रेकफास्ट किया, क्योंकि बहुत तेज भूख लगी थी, चाय भी नहीं पी थी जल्दी जल्दी से। और लंच भी मेरा बन गया है, सिर्फ रोटियाँ सेकनी है मुझे, क्योंकि 12:30 हो रहा है और मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी, क्योंकि कल वहाँ गए थे महादेवा, तो बहुत सुबह जल्दी उठ गए थे, फिर पता नहीं क्यों इतनी थकान सी लग रही थी या कुछ अंदर से ऐसे तबीयत नहीं ठीक लग रही, मौसम ऐसा हो रहा है इस वजह से, तो मुझे नींद आ गई और मैं सो भी गई। फिर मैं जब सो के उठी तो मैंने सोचा मैंने मतलब इस वीडियो का एंड तो किया ही नहीं, और मैं कुछ सामान भी परचेज़ किया था मैंने 1-2 दिन पहले, तो वो भी शेयर करना था आप लोगों के साथ, क्योंकि उसको मैंने 2 से 3 बार यूज़ किया तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैं सोच रही हूँ मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। मैं ये लेके आई हूँ मेकअप क्लिनजिंग वाटर, ये जो आलिया भट्ट जिसका ऐड करती है गार्नियर का, काफ़ी अच्छा है, मैंने इसको दो या तीन बार यूज़ किया है, तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं उसका आयूर का लाती थी, तो जो क्रीम की तरीके से होता है थोड़ा मॉइस्चराइज़र की तरह, तो वो भी अच्छा है, लेकिन ये काफ़ी अच्छा है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। देखिए उसको ट्रांसपेरेंट पानी के तरीके से है, और बस हल्का सा कॉटन पे लगाइए, तुरंत लिपस्टिक क्या होता है जो वो मैट वाली लिपस्टिक होती है, जो मैट वाली लुकेट वाली जो होती है वो जल्दी नहीं छूटती है, तो एक दिन मैंने वो लगा के इसको ट्राई किया कि देखिए वो छूट, तो बहुत जल्दी छूट गया वो, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को बताएं। काफ़ी अच्छा मुझे लगा, कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है मेरा, ये मैं ले के आई हूँ, मैंने यूज़ किया तो मुझे अच्छा लगा, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि अभी इस पर उल्टा नाम दिख रहा है, कैमरे पर उल्टा नाम दिख रहा है, गार्नियर का है क्लिनजिंग वाटर, और ये मुझे मिला है 175 का है ये, तो ये काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छे से इससे क्लीन हो जा रहा है मेकअप, मतलब मेकअप आपका अच्छे से रिमूव हो जाएगा, चाहे ये लिक्विड वाली लिपस्टिक लगी हो या ऐसे नॉर्मल लगी हो, नॉर्मल तो बहुत ही जल्दी छूट जाती है, और लिक्विड वाली भी बस एक बार आप कॉटन में लीजिए और लगाइए, तुरंत छूट जाता है, तो बड़ा अच्छा मुझे लगा, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाऊँ, क्योंकि ये अभी नया आया है। तो मैंने मतलब जिस शॉप से मैं लेती हूँ उस शॉप पे नहीं था, तो उन्होंने मंगाया था मेरे लिए कि ठीक है मैं मंगा दूँगी आपके लिए, लेडीज़ हैं, और ये वहीं से फिर मुझे एक लिपस्टिक बहुत अच्छी लग गई, मेरे पास ये कलर नहीं था, कल का ब्लॉग जो आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें मैंने मर्जेंटा कलर का सूट पहन रखा है, तो मैंने उसी से, मेरी आँखें सोई सोई सी लग रही क्योंकि मैं सो के उठी हूँ, थोड़ी देर के लिए सो गई थी मैं,
फिर मुझे याद आया कि मुझे वीडियो का एंड करना है, ये देखिए ये कलर है और काफ़ी अच्छा लग रहा था लगा के। अगर ये कलर आप लोग को लगा हुआ देखना है तो कल वाला वीडियो देखिए, उसमें आपको दिखेगा बहुत अच्छा लग रहा था ये कलर लगा के। ये 9 to 5 लैक्मे का, ये भी ये कितने का दिया था ये मुझे याद नहीं, क्योंकि एक साथ मैंने दोनों चीज़ ली तो मुझे इसका रेट नहीं याद आ रहा। इस पर तो लिखा हुआ तो याद आ गया, इसका शेड है 06 है इसका शेड नंबर, तो मर्जेंटा में डार्क वाला जो होता है वो है। लगा के बहुत अच्छा लग रहा था, इसका तो लिखा हुआ है इसलिए इसका याद है, क्योंकि मैंने ये लिया फिर एक दो चीज़ और आन्या ने कुछ अपना लिया था तो 500 समथिंग पूरा हुआ था, तो मुझे एग्जैक्ट इसका याद नहीं आ रहा ये कितने का उन्होंने दिया था, कितने की दी थी ये लिपस्टिक, लेकिन बहुत अच्छा कलर मुझे लगा। तो बस पूजा भी हो गई और क्योंकि क्लीनिंग तो सब करके गई थी मैं, फिर उसके बाद आते ही बस बहुत तेज़ भूख लगी, सोचा था कि शूट करूँगी लेकिन इतनी तेज़ भूख लगी थी, चाय भी पीने का मन कर रहा था, सुबह से नहीं पी थी तो चाय पिए, फिर उसके बाद जल्दी से मैंने लंच के लिए जो सब्जी बनानी थी वो बनाया और कुछ भी नहीं शूट किया, बिल्कुल जैसे लगा था बस नींद भरी हुई थोड़ी देर सो लें, तो आधा घंटा मैं सो भी ली 12 बजे बना के, उसके बाद आधा घंटा हम सो भी लिए, फिर मुझे लगा कि मुझे वीडियो का एंड भी करना है तो आप लोगों के साथ। ये 2 दिन से मैं सोच रही थी लेकिन इधर थोड़ा बिजी हो गई तो नहीं शेयर कर पाई थी, तो मैंने सोचा चलो इसको भी शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ कि अगर आप लोग भी लेना चाहें तो ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा है ये। और लिपस्टिक भी शेड इसका बहुत अच्छा मुझे लगा, तो ये भी मैंने आप लोगों को बताया, और अगर कलर देखना हो तो कल वाले ब्लॉग में देख लीजिएगा कि कितना प्यारा लग रहा है, बिल्कुल मेरी कुर्ती से मैचिंग कर रहा है ये कलर, इसलिए और मुझे अच्छा लगा ये। तो बस यही था मेरा आज का छोटा सा वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।